रूबी लंच बॉक्स कहाँ है मेरा? ला रही हूँ। कब ला रही हो? अरे नौकरी में आके हट गया मुझे से, मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ, कभी ये ला कभी वो ला, दूध वाला आ रहा है, झाड़ू वाला, दिमाग खराब हो गया मेरा, किचन में लगे लगे पैर दुखे मेरे। नौकर मैं हूँ, पूरे महीने कमाता हूँ, 1 रुपया खुद के ऊपर तो खर्च नहीं कर सकता। ये सब नए नए कपड़े पहनो और पैसे बर्बाद करो और ऊपर से फिर ज्ञान अलग से दो। टाइम से तुमसे कोई एक काम होता है? ऑफिस में बॉस की भाषण अलग से सुनूं? अच्छा तुम्हारा बॉस भाषण सुना रहा है और यहाँ पे मुझे तुम भाषण सुना रहे हो उसके बदले का? हाँ? दिख रहा है कौन सुना रहा है किसको? नौकरानी की रानी बोल के लाए थे, नौकरानी बना दिए तुमने मुझे, यहाँ पे काम करने के लिए तो खाने का टाइम नहीं मिलता मुझे, पूछते एक बार फोन करके तुमने खाना खाया नहीं खाया? अरे तो मैं कौन सा खाता हूँ, ज्यादातर वो सड़ा हुआ खाना वापस ही लेकर आता हूँ। तुम्हें मुझ पर सारी कमी दिखने लग गई है, मैं काम नहीं करती तुम्हें अब दिखने लग गया, मैं नए कपड़े लेकर आने लग गई तुम्हें दिखने लग गया। हाँ तुम्हें मेरी मेहनत नहीं दिखाई देती लेकिन तुम्हें ये दिखाई देता रूबी आराम करती, और इतना ही बुरा है मेरा खाना और इतना ही वापस आओ लेके मत जाया करो ना, इसे खाने के लिए परहेज कर दो ना, इसकी वजह से सुबह 6 बजे उठना पड़ता है मुझे, किचन में 2 घंटे लगते हैं तब जाके खाना तैयार होता है, भलवा नहीं है जो 5 मिनट तैयार हो गया, समझ आ गया? अरे बस करो ये कलेश, ठीक है सुबह सुबह कलेश करना मत आता तुम्हें। हाँ और मेरा जो मूड खराब कभी करा तो पूरे दिन के लिए वो क्या? अरे तुम्हारा मूड है हमेशा खराब ही रहता है, सिर्फ अपना ही रहेगा और कुछ सीखता ही नहीं है घर में, पढ़ना तो काम कर करके परेशान हो गई हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तो आज क्या बहाना है? वो बारिश हो रही है। बारिश? मैं भी तो आया हूँ ना ऑफिस सही समय पे। सर आपके पास तो कार है? मेरे पास बाइक है, ब्रिज के नीचे खड़ा था, काफी देर बाद बारिश रुकी। रोज नया बहाना, क्लोथिन पहन के आता ना, पता है ना ऑफिस का क्या टाइम है? 11 बजे, और अब 12:30 हो रही है, पूरे 1.5 घंटे लेट। सॉरी, हमारे सॉरी से 1.5 घंटे वापस आ जाएंगे क्या? और जो मैंने प्रोजेक्ट दिया था वो? सर अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कर दूंगा। कंप्लीट नहीं हुआ? पिछले 2 हफ्ते से पूछ रहा हूँ तुम्हें वो प्रोजेक्ट के लिए, 2 हफ्ते से तुम्हें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। सॉरी सर, मुझे लगता है तुम अपनी जॉब प्यारी नहीं है। मुझे ना शाम तक प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए किसी भी हाल में, अगर शाम तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ ना तो अपनी ये जॉब भूल जाना। ठीक है सर, जाओ अब। खाना लगा दो। बहुत जल्दी नहीं आ गए? हाँ वो प्रोजेक्ट सबमिट करना था। रूबी मैंने कुछ बोला, खाना लगा दो। कौन सा खाना? मैंने कोई खाना नहीं बनाया, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, और सुबह तो बड़े बड़े लेक्चर करके गए थे, तुम्हारा खाना आधे टाइम वापस ही आता, तो आज भी वापस आया हो तो वही खा लो पहली बात, और अगर तो इतना ही वापस आता तो मैं बनाना ही छोड़ दूंगी, मैंने नहीं बनाया कुछ भी। रूबी क्या मैं एक भी दिन छुट्टी लेती हूँ? 7 और 7 दिन काम करती हूँ, संडे तक भी सुबह उठ के काम करना पड़ता है, तुम्हारी छुट्टी हो सकती है तुम आराम करते हो लेकिन मैं कभी आराम करती हूँ? रूबी मैं भी कभी छुट्टी नहीं लेता, हमेशा काम करता हूँ, तबीयत खराब हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हमेशा ऑफिस जाना है, और तो और अगर टाइम से ना पहुंचो तो उनकी गालियां अलग सुननी पड़ती है, खुद तो वो गाड़ी में आ जाते हैं, मेरे पास बाइक है, आज भी गीला हो गया था, तबीयत भी खराब हो गई, फिर भी काम करना पड़ा पूरे दिन, और वो जो प्रोजेक्ट था 1 वीक का प्रोजेक्ट, 1 दिन में बोला कंप्लीट करके दो, कैसे करता, इसलिए लेट हो गया। मैं भी अपनी साइड से बेस्ट दे रहा हूँ, अगर मैं भी छुट्टी लेके घर पे बैठ गया ना तो घर का रेंट EMI कहाँ से जाएगा? मैं तुमसे कभी आर्गुमेंट करता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी, तुम्हारे अगर खर्चे हैं और मेरे खर्चे तो वो कहाँ से आएंगे? मुझे पता है मैं उसके लिए दिन रात एक करता हूँ। खैर छोड़ो, मेरी तबीयत भी खराब है और मुझे नींद भी आ रही है, मैं भूखा ही सो जाऊंगा, तुम कुछ खा लेना। उठ जाओ सुबह हो गई है। क्या हो गया? अभी तो मैं सोया था। अभी सोए थे? 3 घंटे हो गए तो मैं सोए हुए, मैंने खाना बनाया, चलो खाना खाते हैं। क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का। अच्छा ठीक है ना, सॉरी बोल रही था, ड्रामा मत करो, तुम्हारी पसंदीदा भिंडी आलू की सूखी सब्जी और भंडारे वाले आलू भी बनाए, उठ के बैठो, इतने घंटों से मेहनत करके बनाया, अब उठ जाओ, सुबह जो भी बोला मैंने उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा गिल्ट हो रहा है उसके लिए, और मुझे अपनी गलती का पछतावा भी करना है ना, तो ये खा के दवाई खा लो, मैंने मंगा ली है। ठीक है खिला दो। रूबी सुबह के लिए सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, चलता रहता है, गुस्से में इंसान क्या क्या बोल देता है वो भूल जाता है, लेकिन गुस्से में शब्द बदलते हैं, इंसान का प्यार नहीं बदलता। तो भूखे पेट कैसे सोच लिया कि सोने दूंगी,
बस नाराज थी, मुझे लगा तुम मनाओगे कि बाहर ले चलेंगे खाना खाने, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने खाली छोड़ दी। वैसे भी बाहर ये खाना कहाँ मिलेगा? सबसे पहले दवाई खा लो। सच में सॉरी सुबह के लिए। कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी।